हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एप्टिविज और आज हम लोग आपके साथ इंग्लिश की वन वर्ड सब्सिटन सीरीज का वर्ड्स डोनेटिंग जनरल ऑब्जेक्ट्स का पार्ट टू जो है वो लेके आए हैं इससे पहले भी इसके ऊपर हम एक पार्ट बना चुके हैं तो जिन लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है वो प्लीज उस पार्ट को भी देख लें तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं तो आज का जो हमारा सबसे पहला वर्ड है दैट इज इनऑडिबल देखिये इनऑडिबल ऑलरेडी देखिए ऑडिबल जो सुनने योग्य है इन ऑडिबल शब्द ऐसे बनाया गया है इन ऑडिबल तो इन ऑडिबल की बात क्या करें जो ना सुनाई देने वाला वर्ड अ साउंड दैट कैन नॉट बी हेयर्ड यहां पे सुनाई की जाएगी ना सुनाई कर लीजिए ना सुनाई देने वाला वर्ड दैट इज नोन एज इनऑडिबल ऑडिबल का मतलब है ऐसा शब्द जिसे आप सुन सकते हैं तो इनऑडिबल का एंटोनियम हमारे पास क्या बन जाता है जी ऑडिबल बन जाता है नेक्स्ट वर्ड इज योर इनकॉरिजिबल देखिए अगर आप वर्ड इनकॉरिजिबल की बात करें इनकॉरिजिबल तो का मतलब है जिसका सुधार ना हो सके तो एक ऐसा शब्द जिसका सुधार ना हो सके उसे क्या कहते हैं इनकॉरिजिबल ऑफ करेक्टेड इज एज इनकॉरिजिबल इसके की बात करें तो इनका एंटोनिम हमारे पास क्या जाता है कॉरिजिबल नेक्स्ट वर्ड इज योर ई रिपेयरेबल अगर आप ई e इिपेरेबल की बात की जाए तो जो सुधारने की योग्य ना हो उसे हम क्या कहते हैं ई रिपेयरबल इनकेपेबल ऑफ बींग रिपेयर्ड एंटोनिम रिपेयरबल इससे उल्टा हमारे पास जो वर्ड है, that is repairable. Next है indelible. Indelible is emit, क्या आ गया हमारे पास डेलिबल नेक्स्ट वर्ड इज योर इनफेलिबल देखिये इनफेलिबल का मतलब है अचूक देखिए वही वर्ड है हमारे पास फेलिबल देखिए फेलिबल का मतलब होता है जिससे गलती हो सके इनफेलिबल का मतलब है जो गलती ना करे वन इसका इसका उल्टा शब्द हमारे पास आ गया. एडिबल एंड इनएडिबल इनएडिबल का मतलब हो गया अखाद्य जिसको आप खा नहीं सकते जो खाने योग्य नहीं है दैट इज इनएडिबल राइट अब देखिए नॉट फिट टू ईट एंटोनिम एडिबल राइट right? एंटोनिम इसका क्या है हमारे पास एडिबल नॉट फिट टू ईट नेक्स्ट इज योर का मतलब है ज्वलनशील इट्स नॉट दिवालिया इसको आप ठीक कर लीजिए यह है ज्वलनशील इनफ्लेबल फ्लेमेबल का मतलब है जिसे हम जला सकते हैं लाइबल टू कैच फायर इजिली जो बहुत ही जल्दी आग पकड़ ले उसे हम कहते हैं इनफ्लेमेबल इसका एंटोनिम हमारे पास आ गया नॉन इनफ्लेमेबल नेक्स्ट इज योर इन यबल देखिए इनएविटेबल का मतलब भ्रमणकारी नहीं होता इन एविटेबल का मतलब है हमारे पास क्या इन एविटेबल का मतलब है अनिवार्य दैट इज मैंडेटरी दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड जिसे छोड़ा ना जा सके दैट इज इन एविटेबल नेक्स्ट इज योर एंट्रेग्नम देखिए इंट्रेग्नम का मतलब हमारे पास क्या है इट इज नॉट अजय इंट्रेग्नम का मतलब होता है कोई भी दो गवर्नमेंट्स या कोई भी रजीम्स uh, किसी दो रजीम्स के बीच के जो टाइम को कहते हैं पीरियड ऑफ इंटरवल उसे हम क्या कहते हैं In कहा जाता है नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारे पास इनिजिबल in इनिजिबल का मतलब है सुगम सुगम नाउ दैट कैन बी अंडरस्टूड इजीली इज नोन एज नाउटरिजिबल और इसका उल्टा हमारे पास वर्ड है अन इंटेलिजिबल नेक्स्ट वर्ड इज योर लूनर देखिए वर्ड लूनर सोलर कहीं पे भी अगर आपको वर्ड लूनर मिलता है तो लूनर इज रिलेटेड टू मून राइट चंद्रमा संबंधी तो वर्ड लूनर इज रिलेटेड टू मून ऑफ दून दूनर मेडन मेडन का मतलब है दैट इज प्रथम और फर्स्ट स्पीच और मेड बाई अर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज मेडन नेक्स्ट आपके पास वर्ड आ गया जी मैमल मैमल इज तय यानी कि एक ऐसे एनिमल्स जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करते हैं आप ये कह सकते हैं या ऐसे एनिमल्स जो दूध देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं मैमल कहते हैं स्तन पाए नेक्स्ट वर्ड इज योर यिप्ट देखिए मनुस्क्रिप्ट का मतलब है हस्तलिपि जो खुद लिखा गया हो हाथों से लिखा गया हो उसे हम क्या कहते हैं हस्तलिपि दैट इज हस्तलिपी अ मैटर रिटर्न बाय हैंड इज नोन एज मनुस्क्रिप्ट नेक्स्ट वर्ड इज नोस्टेल्गिया नोस्टेल्गिया का मतलब है जी होम सिकनेस मेमरीज ऑफ द पास्ट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड नोस्टेल्गिया नेक्स्ट इज योर ओमनी प्रेजेंट ओमनी पोटेंट एंड ओमनी सेंट देखिए ओमनी प्रेजेंट का मतलब है सर्व राइट अ पर्सन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर फॉर एग्जाम्पल गॉड हु इज प्रेजेंट एट एवरीवेयर तो गॉड इज प्रेजेंट एट एवरीवेयर दिस इज ओमनी प्रेजेंट नेक्स्ट वर्ड इज योर ओमनी पोटेंट देखिए ओमनी पोटेंट का मतलब है सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान हु इज ऑल पावरफुल लाइक गॉड इज सर्वशक्तिमान ओमनीसेंट दैट इज सर्वज्ञ हु नोज ईच एंड एवरीथिंग राइट तो पर्स दैट इज गॉड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है वर्ड ओमनी प्रेजेंट ओमनी प्रेजेंट ओमनी पोर्टेंट ओमनीसेंट नेक्स्ट वर्ड इज ए प्रेबल पेरो प्रेबल का मतलब हमारे पास क्या होता है अस्टोरी विद अ मोटर शॉर्ट स्टोरी विद मोरल फॉर एग्जाम्पल लालची कुत्ता सस्टी क्रो तो विद मोरल एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी जो हमें लास्ट में क्या दे रही है मोरल दे रही है उन्हें कहते हैं प्रेबल नेक्स्ट वर्ड इज पनेशिया पनेशिया इज रामबाण रेमेडी फॉर ऑल इल्स इज नोन एज दैट इज रामबाण का मतलब क्या होता है देखिए जब कभी भी 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 कोई आप ये बोल सकते हैं किसी कैदी को उसके आचरण के लिए टेम्परेरी रिलीज दिया जाता है या आप ये बोल सकते हैं कि जब कोई कैदी छुट्टी पे आए दैट इज नोन एज पैरोल बट ये उसके आचरण और उसके कंडक्ट को देख के दिया जाता है पैरोल नेक्स्ट वर्ड इज प्लेग्रिजम पोर्टेबल एंड पोर्टेबल देखिए प्लेग्रिजम का मतलब है हमारे पास साहित्य चोरी पोर्टेबल एंड पोर्टेबल देखिए पोर्टेबल का मतलब है जिसको आप ले जा सके पोर्टेबल जिसको आप उठा के कहीं पे भी ले जा सके दैट इज पोर्टेबल पोर्टेबल का मतलब है जी पीने योग्य जिसको आप पी सके इजीली प्लेग्रिजम इज साहित्य चोरी लिटरेरी थेफ्ट और पासिंग ऑफ एन ऑथर्स ओरिजिनल वर्क एज वन ओन इज नोन एज प्लेग्रिजम पोर्टेबल ले जाने योग्य है पोर्टेबल दैट कैन बी कैरिड इन हैंड एंड पोर्टेबल का मतलब है पीने योग्य फिट टू ड्रिंक दैट इज क्या दोर्टेबल नेक्स्ट आगे आ जाइए प्लेबिसाइड सुडोनिम्स एंड क्वाड्रप्ट देखिए प्लेबिसाइट इज नोन एज लोक मत संग्रह यानी कि डिसीजन मेड बाय पब्लिक बोलिंग उसे हम कहते हैं प्लेबिसाइट सुडोनिम्स सुडोनिम इज उपनाम नाम इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर और क्वाड्रेप्ट का मतलब होता है एनिमल विद फोर फीट तो चार पैरों वाले किसी इंसान को हम क्या कहते हैं क्वाड्रेप्ट नेक्स्ट इज योर रेफरेंडम रेड टेपिज्म एंड टेपिज्मिया देखिए रेफरेंडम का मतलब है, मत संग्रह अगेन जनरल वोट ऑफ द पब्लिक टू डिसाइड अ क्वेश्चन इज नोन एज रेफरेंडम रेड टेपिज्म दैट इज लाल फतीहा देखिए लाल फतीहा शाही का मतलब है रेड टेपिज्म एक ऐसी uh, मतलब रेड टेपिज्म एक ऐसी प्रथा है जिसमें बहुत ही ज्यादा कागजी कार्रवाई यानी कि ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है रिगैलिया रिगैलिया इज बेसिकली अ ड्रेस विद मेडल्स रिबन्स उसे हम क्या कहते हैं रगेलिया रगैलियाज सिनेक्योर एंड सैलिकी सेक्रीलेज इज नोन एज अपवित्रता लाइक द ऑफ अ रिलीजियस प्लेस और ऑब्जेक्ट उसे हम क्या कहते हैं सेक्रीलेज कहते हैं सिनेक्योर सिनेक्योर देखिए एंड ऑनररी ये दो वर्ड्स थे हमारे पास एक मैंने आपको बताया था ऑनररी रैंक एंड सिनेक्योर ठीक है सिनेक्योर क्या चीज है सिनेक्योर एक ऐसी जॉब है जिसमें आपके पास काम बहुत कम है बट सैलरी हाई है ऑनररी में आपके पास सिर्फ रैंक है सैलरी नहीं है कार्यभार रहित नौकरी अ जॉब विद हाई सैलरी बट अ लिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस इज नोन एज से सोलिकली दैट इज आत्मभाषण अ स्पीच मेड वेन वन इज अलोन दैट इज नोन एज सोलिक्यूर जब आप खुद से अकेले किसी भाषण या किसी स्पीच को परफॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं सोलिकली सुपोरफिक सोवीनियर एंड स्ट्रैंग सॉन्ग देखिए सिपोरफिक का मतलब है एक ऐसी मेडिसन जो स्लीप इंड्यूस करे राइट right? जैसे आप इसको सिडेटिव भी कह सकते हैं आप इनको हिप्नोटिक भी कह सकते हैं हिप्नोटिक्स uh, तो ये वही हमारे पास मेडिसन है जो क्या इंड्यूस करती हैं स्लीप इंड्यूस करती हैं सोवेनियर सोवेनियर का मतलब है हमारे पास मारिका अ थिंग केप्ट इन अ मेमोरी ऑफ एन इवेंट दिस इज नोन एज सोवेनियर स्वैंग सॉन्ग देखिए कोई भी आर्टिस्ट जिसका अंतिम लाइक लास्ट वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट और राइटर इज नोन एज स्वैंग सॉन्ग सोलर ट्रांसपेरेंट एंड एंडि देखिए सोलर इज रिलेटेड टू सन एनीथिंग रिलेटेड टू सन इज नोन एज क्या सोलर ट्रांसपेरेंट इज पारदर्शी जिससे आर पार आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक देखिए ट्रांसपेरेंट वो है जिससे आप पारदर्शी बिल्कुल क्लियर आमने सामने देख सकते हैं उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट होता है जिसमें कुछ हिस्सा जो है आपको सिर्फ लाइट दिखाई देगी लेकिन एग्जैक्टली exactly नहीं दिखाई देगा कि क्या है क्या नहीं है ओपेक जिससे आप देख ही नहीं सकते आर पार पारदर्शी दैट कैन बी सीन थ्रो एंटोनिक वर्बेटिम इज शब्देश रिपीटेशन ऑफ अ स्पीच और राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड इज नोन एज वर्बेटिम नेक्स्ट इज योर जोडिक जोडिक इज योर राशि अ डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लान इज नोन एज जोडिक तो ये था हमारे पास आज का सेशन होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि और ऐसे वीडियोज आप हमारे चैनल पर देख सकें थैंक